नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार की शुरुआत आज करेंगे सियासी खबर से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबियत पर अब सियासत शुरू हो गई है। कठुआ में रैली के दौरान खड़गे की तबियत बिगड़ी। पीएम को जानकारी लगी तो उन्होंने फौरन फोन कर उनका हाल जाना और उसके बाद शुरू हो गया सियासी संग्राम। जी हां, पीएम मोदी के फोन करने तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। खड़गे ने मंच से पीएम मोदी को चैलेंज कर दिया और कहा कि इतनी जल्दी मैं मरने वाला नहीं हूं, जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। खड़गे ने खुद इस बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। इस पर अब बीजेपी का पलटवार तेज हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, खड़गे साहब प्रार्थना है कि आप 2047 तक जीवित रहें और विकसित भारत का निर्माण आप देखें। तो कल मल्लिकार्जुन खड़गे की एक रैली को संबोधित करते हुए अचानक से तबियत खराब हो गई थी। बीपी लो की शिकायत हुई थी। जैसे ही इस बात की जानकारी पीएम मोदी को लगी, उन्होंने फोन करके खड़गे का हालचाल जाना। लेकिन यही मौका आप सियासत में कैसे भुनाया जाता है, ये आप लगातार बयानों के जरिए समझ सकते हैं। अब देखिए, पूरी जो टेंशन है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद शुरू हुई। जम्मू कश्मीर की चुनावी रैली में खड़गे ने कहा कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं, जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अमित शाह ने इस पर पलटवार किया और लिखा कि कांग्रेस के नेता मोदी से नफरत करते हैं, खड़गे साहब के लिए प्रार्थना है कि वो 2047 तक जिंदा रहें और मोदी के विकसित भारत निर्माण को देखें। आइए पहले आपको सुनवाती हूं खड़गे का वो बयान जिस पर अब मचा है सियासी घमासान। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूं, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। तो अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं रैली में कि जब तक बीजेपी की सरकार को उखाड़कर नहीं फेंकूंगा तब तक मैं मरने वाला नहीं हूं। इस पर पलटवार गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया और उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि आप सही सलामत रहें, आप 2047 तक जीवित रहें, विकसित भारत का निर्माण देख सकें। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी कल तबियत खराब हुई थी, अचानक से रैली को संबोधित करते हुए बीपी लो की शिकायत हुई थी, आनंद फानन में उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन इसी रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया कि जब तक मैं बीजेपी सरकार को खत्म नहीं कर दूंगा, उखाड़ के नहीं फेंकूंगा, तब तक मैं जिंदा रहूंगा। ये सब कुछ उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन के बाद। पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बाकायदा फोन किया था और उनसे उनका हालचाल जाना था। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचे गए और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर बास करते रहेंगे, कोई जिंदा रहे कोई मर जाए इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप। अब देखिए, खड़गे की तबियत को लेकर एक तरफ देश की सियासत गर्म हो चुकी है तो उधर महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल तक अवैध मस्जिद को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। पहले आपको मुंबई के धारावी में क्या हुआ ये बताते हैं। धारावी में अवैध मस्जिद तोड़े जाने की मियाद आज खत्म हो चुकी है। मस्जिद ट्रस्ट ने अवैध निर्माण के कुछ हिस्से को हरे रंग के पर्दे से कवर कर दिया है। बीएमसी की टीम कभी भी यहां निरीक्षण करने पहुंच सकती है। मस्जिद ट्रस्ट का कहना है कि जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के तहत होगी। इससे पहले मस्जिद ट्रस्ट ने खुद धारावी की महबूब सुभानिया मस्जिद में अवैध निर्माण को तोड़ने का वादा किया था। इस वादे की मियाद खत्म हुए करीब 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन मस्जिद को तोड़ने का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है।
मुंबई के धारावी में अवैध मस्जिद पर कब एक्शन होगा, इस पर सबकी नजर है। वहीं पुणे में भी अवैध मस्जिद तोड़े जाने पर हंगामा मच गया है। इसके अलावा आज हिमाचल के कुल्लू में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन हल्ला बोल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप समझिए, पूरे देश में ऐसी घटनाओं की मानो बारसी आ गई है। मामला अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे धार्मिक एंगल देने की कोशिश भी की जा रही है, धार्मिक एंगल से देखा भी जा रहा है। और जो सियासत है वो इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तब की ये मामला अवैध निर्माण का है, तस्वीरें आप देख लीजिए, जो हरे रंग से ढका हुआ हिस्सा है यही अवैध निर्माण है और इसी को गिराने की बात कही जा रही थी। अवैध मस्जिद को लेकर पुणे और कुल्लू में मचे बवाल का अपडेट आपको दूंगी, लेकिन पहले धारावी का पूरा मामला आपको समझाती हूं। दरअसल मुंबई के धारावी में महबूब सुभानिया नाम की मस्जिद है। 1988 से इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। उस दौरान मस्जिद का सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि ग्राउंड फ्लोर था, लेकिन अगले कुछ सालों में धीरे धीरे इस मस्जिद में अवैध निर्माण होने लगा। कोरोना काल में मस्जिद दो मंजिला बन गई और एक गुंबद भी बना दिया गया। अवैध निर्माण के बाद बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद बीएमसी की टीम 21 सितंबर को मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंची थी। इस दौरान सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद मस्जिद प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 4 से 5 दिन के अंदर अवैध निर्माण को वो खुद हटा देंगे, लेकिन अब तक इस निर्माण को हटाया नहीं गया है। इसलिए समझा जा सकता है कि बीएमसी की टीम कभी भी पहुंच सकती है, कभी भी कोई एक्शन शुरू हो सकता है और माहौल एक बार फिर धारावी में तनावपूर्ण हो सकता है। इस वक्त हमें मुंबई के धारावी इलाके में, धारावी में स्थित है महबूबे सुभानिया मस्जिद। आरोप यह है कि इस मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने इस मस्जिद के खिलाफ शिकायत की थी। उनका आरोप था कि इस मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल में अवैध निर्माण हुआ है। सामने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का, यही है महबूबे सुभानिया मस्जिद। इस समय इस मस्जिद का जो ऊपरी हिस्सा है उसे हरे रंग के पर्दे से कवर किया गया है। मस्जिद के जो ट्रस्टी है उन्होंने खुद लिख कर दिया था कि अगले 4 से 5 दिन में इस अवैध निर्माण को वो खुद तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं है। मियाद खत्म हुए आज करीब 5 दिन होने आ गए, लेकिन अब तक अगर आप बाहर का हिस्सा अगर आप देखें तो बाहरी हिस्सा अभी भी इंटैक्ट नज़र आ रहा है। तोड़क कार्रवाई की कुछ भी विजुअली तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई हैं। साथ ही में ऊपर जो आप ये ग्रीन पर्दा देख रहे हैं, ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि जब भी वो तोड़क कार्रवाई शुरू करेंगे तो ऐसे में जो मलबा है वो नीचे लोगों पर गिर सकता है, घर पर गिर सकता है, और इसीलिए कोई हानि ना पहुंचे, किसी को क्षति ना पहुंचे, इसीलिए ये हरे रंग का पर्दा लगाया गया है। लेकिन 5 दिनों में अगर ट्रस्ट की तरफ से सच में इस तोड़क कार्रवाई को शुरू किया गया होता तो अब तक जो है पूरे अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया होता। लेकिन जो एक्शन में तेज़ी नज़र आनी चाहिए थी वो अब तक नज़र नहीं आ रहा है। वहीं बीएमसी का कहना है कि शहर में जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं उसे हर हाल में तोड़ा जाएगा। चूंकि ट्रस्ट ने खुद से वादा किया था कि वो अवैध निर्माण को तोड़ेंगे, तो वो खुद भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रस्ट की तरफ से जो है कुछ क्लैरिटी मिले। कहा यह जा रहा है कि आज संभवतः बीएमसी की टीम जो है वो यहाँ पर जाँच के लिए आ सकती है। वहीं सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि शहर में जितने भी अवैध निर्माण हैं उन सभी अवैध निर्माण को हर हाल में तोड़ा जाएगा। ट्रस्ट की तरफ से लगातार एक ही बात दोहराई जा रही है कि जो उन्होंने वादा किया है उस वादे को वो ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन कब तक पूरा करेंगे इसको लेकर वो डेडलाइन नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे अवैध निर्माण को हरे कपड़े से कवर कर दिया है, लेकिन जो सवाल है दिनेश वो ये कि जब मस्जिद कमेटी की तरफ से कह दिया गया था कि अवैध निर्माण को हम खुद ही गिरा देंगे, तो मामला कहां पर आकर अटका? अभी तक क्यों नहीं इस अवैध निर्माण को गिराया गया है? देखिए, जिस तरह से अब तक हमारी बातचीत जिनसे हुई उनका कहना है कि हम वादे को जरूर पूरा करेंगे, लेकिन तो ये उनका वादा, और जिस तरह से कल ही देर रात को ये जो हरा पर्दा आप देख रहे हैं इसे लगाने का कार्य शुरू हुआ था, क्योंकि शायद उन्हें भनक लग गई है कि बीएमसी की टीम जो है वो निरीक्षण के लिए आ सकती है, तो इसीलिए शायद दिखावा करने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा सकता है कि वो बाहर से जो हरा पर्दा लगा रहे हैं। लेकिन एक ईंट भी टूटी हुई कम से कम बाहरी अगर हिस्सों को हम देखें तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। अंदर अगर उन्होंने कार्रवाई शुरू की होगी तो अलग बात है, लेकिन मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से एक विजुअल खुद से भी जो कि उन्होंने जो वादा पूरा करने का दावा किया था
उसको लेकर उन्होंने पहल शुरू की है। खुद से मैन्युअली वो अवैध हिस्सों को तोड़ रहे हैं। ऐसे विजुअल्स तस्वीरें उनकी तरफ से भी जारी नहीं की गई और बीएमसी की टीम अब भी इंतजार करी, क्योंकि पिछली बार जब बीएमसी की टीम पूरे दलबल के साथ यहाँ पर पहुंची थी और जिस तरह का हंगामा हुआ था और धारावी जैसा इलाका यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बने, इसीलिए संभल संभल कर फूक फूक कर बीएमसी की टीम लोकल पुलिस के साथ मिलकर हर एक काम कर रही है। लेकिन अब तक जो रवैया रहा है ट्रस्ट का, वो ये उसे देखकर ये ज़रूर लग रहा है कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि टाइम बाय कर सके। 100 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। ऐसा भी नहीं है कि ये जो अवैध निर्माण है वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, इसे तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर जो है साधन सामग्री की ज़रूरत है। मैन्युअली भी अगर तोड़ने के अगर कोई मन से अगर प्रयास करे तो एक दिन के भीतर इसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन 5 दिन लगभग होने आए। लेकिन अब तक बाहर से तो देखने के बाद समझ में आ रहा है, मियाद खत्म हो रही है, लेकिन इस मस्जिद में बदलाव सिर्फ इतना है कि अवैध निर्माण पर हरा कपड़ा लगा दिया गया है। कब इस निर्माण को तोड़ा जाएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और बीएमसी अगर पहुंचेगी तो तनाव की स्थिति भी पैदा होगी और एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी की जाएगी। शुक्रिया आपका दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, धारावी में अवैध मस्जिद पर एक्शन कब होगा इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं, चूंकि बीएमसी की टीम पहुंचेगी, निरीक्षण करेगी और क्या बीएमसी का हथौड़ा चलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच पुणे से एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। पुणे में अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हो गया है। अवैध निर्माण के खिलाफ महानगर निगम ने आधी रात में ये एक्शन किया है। महानगर निगम का ये एक्शन हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, जिसमें कहा गया था कि पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में जितने भी अवैध धर्म स्थल हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। 6 महीने पहले महानगर निगम ने ऐसे सभी अवैध निर्माण वाले धर्म स्थलों को नोटिस भी भेजा था, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद महानगर निगम ने ये कार्रवाई की है और बुलडोजर एक्शन उस मस्जिद और मदरसे पर किया गया है जिसे अवैध तरीके से बना दिया गया था, अवैध तरीके से निर्माण कर दिया गया था, उस पर अब प्रशासन का जो बुलडोजर है वो चला है। लेकिन आप देखिए कि जब प्रशासन कार्रवाई करने के लिए पहुंचता है तो उस वक्त एकाएक भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाती है, माहौल कितना तनावपूर्ण हो सकता है और कितनी बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने हो जाती है। ऐसे माहौल में कार्रवाई को करना है, हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराना है और लोगों को भी शांत रखना है। और ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये देश भर में आप देखेंगे, जगह जगह ऐसी भीड़ इकट्ठा होती है, चाहे दिल्ली में शाहिद गाह का मामला ले लीजिए, चाहे हिमाचल प्रदेश का मामला ले लीजिए, हर जगह कुछ ऐसा ही नैरेटिव रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन का वहां के मुसलमान जमकर विरोध कर रहे हैं। कल रात बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उसे बचाने के लिए वहां पहुंच गए। उधर हालात बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के कुछ जिम्मेदार नेताओं को डिटेन भी किया, जिन्हें सुबह 5 बजे छोड़ दिया गया। अब आइए आपको ये बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल पूरा मामला पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ का है। 25 साल पहले यहाँ मस्जिद का निर्माण हुआ था, लेकिन बीते कुछ सालों पहले यहाँ दारुल उलूम जामिया इन आमिया नाम से मदरसा चलाया जा रहा था। इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने शिकायत की। इस बीच हाईकोर्ट ने इलाके के सभी अवैध धर्म स्थलों को तोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया और फिर कल रात महानगर निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई में मदरसा पूरी तरह तो मस्जिद का कुछ हिस्सा भी अवैध निर्माण होने की वजह से गिरा दिया गया है। देखिए, इस मसले को अगर आप कानूनी तौर पर देखेंगे तो ये अवैध निर्माण का मसला नजर आता है, लेकिन अवैध निर्माण के इस मसले को कैसे धार्मिक एंगल देना है, कैसे मजहबी एंगल देना है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। प्रशासन की कार्रवाई में खलल डालने की भी कोशिश की गई, भीड़ इकट्ठा करके दबाव बनाने की कोशिश की गई और ये दबाव कैसे सियासत से जुड़ा हुआ है आप इस बयान से समझेंगे, क्योंकि अब इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सवाल उठाए। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मस्जिद के बगल में लगभग हजारों घर हैं जिनके पास भी कोई अनुमति नहीं है, लेकिन केवल मस्जिद दारुल उलूम जामिया इनामिया को ध्वस्त किया गया। हिंदू संगठनों ने सिर्फ मस्जिद गिराए जाने की शिकायत की। ओवैसी ने पूछा कि मस्जिद के खिलाफ ही ये भेदभाव क्यों, उन घरों को का क्या जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं और उन पर
कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। देखिए हाईकोर्ट का आदेश अगर आप देखेंगे तो सभी धर्म स्थल जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं उन पर कार्रवाई करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। पहला पुणे की इस मस्जिद को तोड़ा गया, इस मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? चूंकि अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, यहां मदरसा चलाया जा रहा था और उस मदरसे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। लेकिन इसी के बहाने अपने पॉलिटिक्स को चमकाने का मौका असदुद्दीन ओवैसी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इसे अपने उसी नैरेटिव से जोड़ा जो वो हमेशा कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी साकेत राय इस वक्त जुड़ गए पुणे से। साकेत जरा बताइए अभी का माहौल क्या है? प्रशासन ने तो अपनी कार्रवाई कर दी लेकिन इस मौके पर तनाव की स्थिति भी पैदा करने की कोशिश की जाएगी और राजनीतिकरण करने की भी कोशिश की जाएगी। क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से फिलहाल दिख रही है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल तोड़क कार्रवाई पूरी कर दी गई है। जिस तरह से मुंबई के धारावी का ये पूरा मुद्दा है, आप समझिए कि पिंपरी चिंचवड़ का मुद्दा भी लगभग वैसा ही है। बस फर्क केवल इतना है कि यहाँ पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका की तरफ से तोड़क कार्रवाई पूरी कर दी गई है। अब कल रात इस पूरे तोड़क कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया। आपको बताएं कि ये कालेवाड़ी थेरगांव इलाके की ये पूरी बात है जहां पर दारुल उल जामिया नाम की एक मस्जिद है। अब इस मस्जिद को पिछले 25 सालों से चलाया जा रहा था लेकिन हाल ही के दिनों में यहां पर एक मदरसा स्थापित किया गया जो शुरू किया गया था। मदरसा भी वहां चलाने जो है वो चलाया जाने लगा जिसके बाद कुछ संगठनों की तरफ से पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत दर्ज कराने के बाद लीगल नोटिस भेजा गया। लीगल नोटिस भेजकर इस पूरे मदरसे को इस बात की पहले ही जो है वो नोटिस भेजकर बता दिया गया था कि इस तरह की तोड़क कार्रवाई की जानी है। लेकिन जो पूरा मंजर था जिस तरह से आपने धारावी में देखा उसी प्रकार से पिंपरी चिंचवड़ में जब ये बात फैली कि तोड़क कार्रवाई के लिए महानगर पालिका पहुंचने वाली है, उसके बाद एक बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद उसे रोकने की कोशिश की गई, हालांकि समय रहते वहां पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से मस्जिद से जुड़े हुए लोग और कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग के तरीके से इस पूरे तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए इस पूरे मामले में अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो ट्वीट आया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पूरा मुद्दा किसी भी मंदिर या मस्जिद का नहीं है। हमारी जब कमिश्नर से बात हुई, एडिशनल कमिश्नर से प्रदीप जांबले, उनका ये कहना है कि ये मुद्दा किसी भी प्रकार से धार्मिक नहीं है। हमने मंदिरों को भी उसी प्रकार से नोटिस भेजा है जिस प्रकार से हमने मस्जिदों को, तो ये एक तरह से अवैध निर्माण का मुद्दा है, किसी भी प्रकार से कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे चलकर जो अन्य धार्मिक स्थल हैं या कोई भी ऐसा इनलीगल स्ट्रक्चर अगर महानगर पालिका को देखने को मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब से कुछ ही देर में एडिशनल कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस पूरे तोड़क कार्रवाई की जानकारी भी देंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से इन मुद्दों पर खासतौर पर राजनीति की जा रही है, चाहे आप देखिए कि मुंबई के धारावी का मुद्दा हो या फिर पिंपरी चिंचवड़ के कालेवाड़ी गांव में स्थित उस जामिया उल जो मस्जिद है उसका, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है इस मुद्दे की। लेकिन फिलहाल ये पूरा मुद्दा अवैध ढांचे का है। जी बिल्कुल, देखिए कानूनी रूप से कार्रवाई की गई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई, लेकिन इस हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी एकाएक भीड़ जुटाने वाला जो मॉड्यूल है वो कैसे पिंपरी चिंचवड़ में भी काम कर रहा है वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि राहत की बात यह है या गनीमत यह रही कि ये भीड़ उग्र नहीं हुई और इस भीड़ को शांत करा लिया गया। जरूरत पड़ने पर जो मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें डिटेन भी किया गया, सुबह 5 बजे उन्हें छोड़ दिया गया ताकि माहौल को पूरी तरीके से तनावपूर्ण होने से बचाया जा सके। अब साकेत सवाल यह है कि मस्जिद पर तो यह कार्रवाई हमें देखने को मिली, आदेश तमाम धार्मिक स्थलों का है जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, तो आगे क्या हमें यह कार्रवाई और होती हुई नजर आएगी? क्या और भी धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया है प्रशासन ने जो अवैध तरीके से बने हैं? बिल्कुल, देखिए प्रदीप जामले की तरफ से जो बात कही गई है खास तौर पर, उन्होंने ये बताया है कि जितने भी अवैध ढांचे हैं इसमें उन्हें चिन्हित किया गया है, इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक स्थल को टारगेट नहीं किया गया है, किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया गया है। अगर उन्हें नजर आता है कि किसी भी प्रकार से कोई अवैध ढांचा निर्माण किया गया है तो उस पर तोड़क कार्रवाई अवश्य की जाएगी। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में बताया है कि आसपास के इलाकों में अगर आप देखें तो वहां भी अवैध निर्माण की बात कही जा रही है, तो नगर निगम इस मामले में साफ, इस पूरी तरह से अपनी भूमिका साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि वे किसी भी प्रकार से किसी भी
धर्म को या किसी भी विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरह से अवैध ढांचे के खिलाफ हैं। अगर उन्हें किसी भी प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर आगे चलकर भी देखने को मिलता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें पूरा नगर निगम पालिका द्वारा क्या प्रकरण तैयार किया गया है, किस तरह से ये रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, इसकी जानकारी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदीप जामले द्वारा दिया जाएगा। ऐसे मामलों से ध्रुवीकरण करने में आसानी मिलती है, वोट बैंक को रिझाने में आसानी मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मौकों को राजनीतिक दल छोड़ेंगे नहीं और अपने अपने वोट बैंक के लिहाज से इस पर रिएक्ट भी करेंगे, जैसा असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र में चाहे धारावी हो चाहे पुणे का पिंपरी चिंचवड़ का मामला हो, महाराष्ट्र में इलेक्शन है और इसीलिए इलेक्शन से जोड़कर अब ध्रुवीकरण का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। नितेश राणे मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें 15 मिनट नहीं बल्कि सिर्फ 5 मिनट चाहिए, जो बचे कुचे हैं उसे भी हम खत्म कर देंगे। मस्जिद फतवे का हिस्सा है, दूसरा मांडीला मांडीला हूं बसून हम क्या कह देता है ते 15 मिनट वाले देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई का बयान काफी चर्चाओं में आया था और उसी तर्ज पर नितेश राणे भी बोल रहे हैं। सवाल यह है कि अपने वोट बैंक के चक्कर में आखिर वोटर्स को भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हरियाणा के अंबाला में प्रियंका गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रही है, सीधा आपको सुनवाते हैं। चीज खरीद नहीं पाते, त्योहार आते हैं घबराहट होती है, घर में कोई बीमार पड़ता है घबराहट होती है, फीस भरनी पड़ती है घबराहट होती है, और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले इन्होंने आपसे की थी वही बार बार दोहराते रहते हैं। कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। परिवार पहचान पत्र कहते हैं, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है। इसके लिए भी आपको परेशानियां ही झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ नया नहीं लाए हैं आपको मजबूत करने के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए कुछ नहीं लाए हैं। शैलजा जी ने कहा कि यहाँ कांग्रेस की लहर है, हुडा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, मैं कहती हूँ ये आपके सम्मान की लहर है, ये आपके सम्मान की लहर है। अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। इस संविधान ने आपको सम्मान दिया है,